महाराष्ट्र में अपने पड़ाव पूर्ण कर श्रीराम पथगमन काव्य यात्रा राजनांद गांव छत्तीसगढ़ के लिए प्रस्थान किया। खादगांव, भंडारा, लाखनी, चिंचोला स्थानों पर स्वागत होते हुए बर्फानी धाम माँ पाताल भैरव मंदिर का दर्शन कर सिंधु भवन राजनांद गांव पहुंचे। सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ नायक व राष्ट्रीय कवि संगम छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री योगेश अग्रवाल, संरक्षक चतुर्भुज अग्रवाल, ऊर्जावान कार्य साधक भावेश देशमुख जी, शैलेश गुप्ता जी, तारिक लल्ला जी ने सभी यात्रियों का भावपूर्ण स्वागत किया। महावीर चौक, मानव मंदिर, दुर्गा चौक, वसंत चौक, हिरगांव चौक, भारत माता चौक पर अपार जनसमूह, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भगवान श्री राम के पदचिन्हों के श्रद्धा से दर्शन किए। शाम को देश के सुप्रसिद्ध कवियों, गीतकारों, स्थानीय साधकों द्वारा विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कमल आग्नेय जी लखनऊ, पी के आजाद जी दिल्ली, किशोर पारिक जी जयपुर, डॉक्टर शंभू मनहर जी मध्य प्रदेश, महेश शर्मा जी छत्तीसगढ़। स्थानीय कवियों में हरीश पटेल जी, भावेश देशमुख जी, शैलेश शर्मा जी आदि के द्वारा राष्ट्रीय जागरण को प्रेरित करने वाली प्रस्तुतियां दी। मंच संचालन सुप्रसिद्ध साहित्यकार दिल्ली के पी के आजाद जी द्वारा किया गया। राष्ट्रीय कवि संगम के विभिन्न सदस्यों कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। संरक्षक सत्यनारायण जी मौर्य द्वारा श्री राम के आदर्शों को जीवन में उतारने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ के यात्रा संयोजिका मल्लिका रुद्रा जी के अपनत्व भरे संरक्षण में सारी व्यवस्थाएं, योजना, अल्पाहार, आवास सुचारू रूप से किया गया। हमारे जीवन में ऐसा सौभाग्य आ गया कि त्रेता युग से जो अभी तक प्रतीक्षा चल रही थी मन बंधुओं की, उस प्रतीक्षा को समाप्त करने का अवसर हमें मिला। भगवान राम त्रेता युग में पुष्पक विमान से अयोध्या चले गए थे, जैसा अभी मंच से बताया गया। और त्रेता युग के इतने साल बीते, द्वापर बीता, कलयुग के भी इतने साल बीते, हमारे जीवन काल में ऐसा अवसर उपस्थित हुआ कि हम श्रीलंका से उन्हें अयोध्या पर पहुंचाने का यह उपक्रम कर रहे हैं। भगवान राम ने हमें इस कार्य के लिए चुना, उसके लिए मैं अपना सौभाग्य यहाँ सूचित करता हूँ। और आप सब लोगों का जो कदम कदम पर इतना उत्साहवर्धक सहयोग मिल रहा है, उसके लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। रामचंद्र जी हो गए, आज उनको देश और समाज में आपने सजीव बनाया हुआ है, ये उनके बारे में भी कुछ कहना हो। अग्नि की लपटों में पड़कर सोना कुंदन हो जाता है, भाव शुद्ध हो नन्ना धागा रक्षाबंधन हो जाता है, संघर्षों की भट्टी में तपना कोई छोटी बात नहीं, त्याग तपस्या के द्वारा मानव माथे का चंदन हो जाता है। भारत की संस्कृति के मस्तक पर चंदन के रूप में विराज रहे प्रभु श्री राम को मैं प्रणाम करता हूँ। श्रीलंका अशोक वाटिका से चली है यात्रा, 6,500 किलोमीटर का मार्ग तय करके रामनवमी के दिन 10 अप्रैल को अयोध्या पहुँचेगी। अभी माइक से कहा जा रहा था राम से बड़ा राम का नाम, मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। राम से बड़ा राम का नाम और उससे बड़ा राम का नाम, हम लोग राम के नाम तक सीमित रह जाते हैं, पर राम किस कारण से राम बने, ये सच है कि अयोध्या की राजगद्दी राम को राजा तो बना सकती थी, पर वर्णन में या कवितेमध्ये केलेला आहे। तुझ्या मुरलीची धून, तुझ्या मुरलीची धून अशी वाजव मुरारी, तुझ्या मुरलीची धून अशी वाजव मुरारी, तुझ्या बाती माधली ना मी होईल रे हरी, मी होईल। अपने आप को कमजोर मत मानना, ये दुनिया की जितनी संस्कृतियां हैं, इस्लामिक संस्कृति, ईसाई संस्कृति, वो सिखाती यू आर सन ऑफ सिन, तुम पाप की संतान हो, और तुम पाप की संतान हो तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा, तो बोलते तुम्हारे उद्धार के लिए परमात्मा पुत्र भेजेगा, तो ईसा मसीह को भेजा कि इन पापियों के उद्धार के लिए आओ। इस्लाम भी मानता है तुम पापी हो, इसलिए तुम्हारे उद्धार के लिए परमात्मा ने पैगंबर भेजा, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने, संतों ने यह नहीं सिखाया तुम पाप के संतान हो, हमारे ऋषि ने सिखाया सर्वंत विश्व अमृत से पुत्रा, तुम अमृत के पुत्र हो, ताले बजाइए अपने आप।
कहती है तुम अमृत के पुत्र हो। और एक बात और गौर से सुनना, क्योंकि जिस जगह पे आया हूं, जब से मैं राम के ऊपर काम कर रहा हूं 25 साल से, तो पहले आ चुका हूं रामटेक, लेकिन इस जगह को बार बार देखने का दिल करता है। राम ने एक बार प्रतिज्ञा की यहां खड़े होकर और रावण का विनाश कर दिया, पर उसके बाद के देश में फिर रावण पैदा नहीं हुए? क्या महिलाओं से बलात्कार नहीं हुआ? क्या हमारा देश नहीं जल रहा है? अजमेर शहर में मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में तेजी से उभरता हुआ विश्वसनीय नाम एमडी मोबाइल अजमेर, जहां आपको मिलेगी एक ही छत के नीचे आधुनिक मशीनों द्वारा सस्ती दर में मोबाइल रिपेयरिंग की सुविधा, साथ ही सभी प्रकार के मोबाइल कवर व एसेसरीज हमारे यहां उपलब्ध हैं। मोबाइल टूटने से अब क्यों घबराना, चले आना एमडी मोबाइल, स्टेशन रोड केसरगंज, कचेरी रोड अजमेर। श्री लक्ष्मी विहार, फाईसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाईसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाईसागर रोड, अजमेर। श्री लक्ष्मी विहार, फाईसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाईसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं? तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाईसागर रोड, अजमेर।